दिनों में एक दिन चले गए कि मैं भी कोई इंटरव्यू दे आऊं, तो इंटरव्यू था, थोड़ा पैदल ज़्यादा चलते हैं तो भीड़ चराने का इनको मिला काम, एक जिसमें 3 कैंडिडेट थे, तो उस भेड़ों को चराते हुए लेके जाना था पहाड़ी पे, पहाड़ी पे लेके जाना था। पहला कैंडिडेट गया, पहला कैंडिडेट जब पहुंचा आधी पहाड़ी पे तो इतना दुर्गंध वहां पे था कि वो आधे रास्ते से लौट आया। दूसरा कैंडिडेट गया, दूसरा कैंडिडेट भी आधे रास्ते में दुर्गंध सहन नहीं कर पाया, वो भी लौट आया। फिर वर्मा सर गए साथ में लेके भेड़ों को, आधे रास्ते से भेड़े वापस चली आए, तो हमारे वर्मा सर बहुत आइए थोड़ा सा मैं फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। और अभी आपने एक सुना होगा कि काफी एक लाश को एक व्यक्ति अपने कांधे पे लेके जा रहा था, काफी वायरल हुई, लेकिन ऐसा सिर्फ शहरों में और आज का कंडीशन ऐसा कंडीशन हो गया है कि बता ऐसी घटनाएं आ रही नहीं, तो गांव में ऐसी घटनाएं नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि अजीब दुनिया है न शायर यहाँ पे सर उठाते हैं। मतलब कवियों और शायरों का कार्य होता है कि जो भी लोग हैं, जो भी जनता है, उनको जागरूक करें, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि लोग पूछ नहीं रहे हैं। अजीब दुनिया है न शायर यहाँ पे सर उठाते हैं, शायर तो महफिलों में दरी चादर उठाते हैं। अजीब दुनिया है न शायर यहाँ पे सर उठाते हैं, शायर तो महफिलों में दरी और चादर उठाते हैं। और तुम्हारे तुम्हारे शहर में मैयत को कोई कांधा नहीं देता, तुम्हारे शहर में मैयत को कोई कांधा नहीं देता, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। उन्हीं अल्फाजों के साथ मैं निमंत्रित करना चाहूंगा, एक बार फिर से आपको हास्यरस से जोड़ना चाहूंगा कपिल यादव सर से, कुछ छूटा छटका हो तो खत्म करें जो बीच में, और इस महफिल को और आगे बढ़ाएं और हंसाएं, और चट्टों सर जाते जाते कम से कम याद रखें इतना तो हंसा ही दे, एक बार जोरदार।